सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर है हमारा ओवरहेड वाटर टैंक का। इससे पहले लेक्चर में हमने बीम्स एंड स्लैब किए थे हम, ठीक है। और उसी तरह बीम्स एंड स्लैब की जो क्वांटिटी है हमने बेसमेंट की निकाली थी, बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। तो इसमें हम अब ओवरहेड वाटर टैंक हमारे पास इस ड्राइंग में दो है, तो हम कोई सा भी एक कर लेते हैं। मैं ओवरहेड वाटर टैंक नंबर वन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी सेम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास इसका प्लान है और हम इसका सेक्शन देखेंगे। ये इस ड्राइंग के अंदर हमारे पास इसका सेक्शन है, ठीक है जी। अब सबसे पहले प्लान के अंदर हमने जाना है। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले कॉलम्स हैं, चार कॉलम्स आएंगे, ठीक है। सेक्शन में देखें, सेक्शन में देखेंगे कॉलम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक स्लैब पड़ेगी जिसको हम बॉटम स्लैब कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बॉटम स्लैब के ऊपर हमारे बीम चलते हैं, ये बीम दोनों साइडों पे, चारों साइडों में चलेंगे हम स्लैब के साथ। इसमें भी आ जाते हैं, ये बीम 14 है, दोनों साइडों पे चल रहा है, बी 15 है, ठीक है, चारों साइडों पे ये चल रहे हैं, यानी दो बी 14 है और दो बी 15 है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद ऊपर आ जाती है टॉप स्लैब, ठीक है। तो ये सीन है इसके अंदर। तो हाँ, ये हम स्टार्ट करते हैं जी ओवरहेड वाटर टैंक। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक, इसको शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलम्स। मैंने आपको जो बताया कॉलम्स हम देख लेते हैं प्लान के अंदर जाके। ये प्लान है, इसके अंदर से ही हम इसकी डायमेंशन ले लेते हैं। डायमेंशन कैसे लेंगे? DAL की कमांड लगा के डायमेंशन लेंगे। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई, चेक कर लेते हैं सबकी सेम है या डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये सेम है, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी सेम है, सुबह ये भी सेम है, ठीक है, हो गया। अब हम कितने आ गए, चार कॉलम्स आ गए हमारे पास, चार कॉलम्स हैं। डायमेंशन 2 फीट बाय 1.25, ठीक है। अच्छा, इसकी सेक्शन के अंदर हमने हाइट देख लेनी है। सेक्शन हमारे पास इस ड्राइंग में है, तो सेक्शन के अंदर इसकी हाइट दी है 1.25। ये एज पर आर्किटेक्चर और एज पर साइट देख लेते हैं कि कितनी रखनी है। 2-3 फीट तकरीबन ही होती है, यहाँ पे इसने 1.75 दी है, तो मैं इधर 1.75 इसको रख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करेंगे फार्मूला उसी तरह, कंट्रोल सी के साथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, बॉटम स्लैब करनी है हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाए हम प्लान के ऊपर, आ जाते हैं हम स्लैब के अंदर, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है 18 फीट बाय 11 फीट। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने एक स्लैब 18 बाय 11 करनी है इसकी थिकनेस। फिर वहाँ पे हमने जाना है सेक्शन के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन के अंदर इसकी हाइट पता चलेगी 0.58। 7 इंच की स्लैब है जी, 0.58 आ गया। कॉपी करेंगे फार्मूला, कंट्रोल डी के साथ भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आगे बीम्स, ठीक है। बाज़ का वॉल्स भी होती है, लेकिन इस और टैंक के अंदर इसने बीम्स दिए हैं। बीम्स कैसे देखेंगे हम, प्लान के अंदर जाएंगे हम। प्लान के अंदर B14 पहले आ जाएगा, B15 बाद में आ जाएगा, इस तरह कर लेते हैं। B14 और B15, इसकी लेंथ ले लेंगे। दो दो बीम्स हैं जी प्लान के अंदर, हम लेंगे सबसे पहले 18 फीट आ जाएगा इसकी, इसकी B14 की। अच्छा, 18 फीट और इसकी थिकनेस, थिकनेस हम देख सकते हैं प्लान में से भी देख सकते हैं और सेक्शन में से भी देख सकते हैं। 9 इंच आ गया, 0.5 और 0.75, सॉरी 0.75 आ गया, ओके। अच्छा, B15 कैसे निकालेंगे? B15 की बाहर से डायमेंशन है 11 फीट, जबकि हमने 9 इंच इस बीम में ले लिया था, 9 इंच यहाँ से ले लिया था, ठीक है। 1.5 फिट माइनस हो जाएगा डायरेक्टली, आप यहाँ से 11 फिट लिख के माइनस 1.5 फिट, अपना 11 फिट माइनस 1.5, ठीक हो गया, 9.5 फीट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 0.75 इसकी थिकनेस हुई आ गई। अब इसकी हाइट देखनी है, तो हम बीम्स के अंदर जाएंगे जी, यहाँ पे सेक्शन के अंदर, सेक्शन में हमें हाइट क्लियर हो जाएगी। हाइट हमें क्लियर हुई है जी 4 फीट, इसकी हाइट कितनी है 4 फीट, ओके हो गया, 4 फीट आ गई। अच्छा, अब फार्मूला कॉपी करेंगे यहाँ तक, ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया। बीम्स भी ओके हो गए, बॉटम स्लैब भी आ गई, कॉलम्स भी आ गए। अब क्या चीज़ रहेगी, अब ड्राइंग देखते हैं क्या चीज़ रह जाएगी। अब सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन में क्या
क्या क्या चीजें हमने कर ली। सबसे पहले हमने कॉलम्स की, फिर हमने स्लैब की, फिर हमने बीम्स, अब टॉप स्लैब करनी है हमने, ठीक है। टॉप स्लैब कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे हम टॉप स्लैब लिख लेते हैं, टॉप स्लैब। तो इसकी डायमेंशन भी सेम आएगी 18 फीट। इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगा के फार्मूला भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसकी थिकनेस का फर्क है। यहाँ पे इसने 5 इंच थिकनेस दी है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.42, ठीक है। कॉपी करेंगे फार्मूला। अब ये हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक की क्वांटिटी आ गई टोटल, तो इसको हम सम करेंगे। तो ये सम, ये देखें यहाँ तक ड्रैग हुआ है, तो इसको मैं पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ले आऊँगा सिंपली। तो ये हमारे पास ओवरहेड वाटर टैंक की क्वांटिटी आ गई हमारे पास। तो ये सिंपल सा एक तरीका था, ठीक है। ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।